हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि जीडीपी के 3 कंपोनेंट होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो जो उसका पहला कंपोनेंट है कृषि क्षेत्र, उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, पशुपालन, मत्स्य पालन और फसलें, इनसे थोड़ी जुड़ी हुई कुछ डाटा पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है कृषि। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 135194 स्क्वायर किलोमीटर। 135194 स्क्वायर किलोमीटर छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। लेकिन जहां कृषि क्षेत्र में भूभाग के मापन की जहां बात आती है, तो वहां मात्रक यूज किया जाता है एकड़ और हेक्टेयर। एकड़ और हेक्टेयर में कृषि क्षेत्र के भूभाग का मापन किया जाता है। तो हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 137.8 लाख हेक्टेयर। 137.8 लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक। और स्क्वायर किलोमीटर में है 135194 स्क्वायर किलोमीटर, दोनों आंकड़े याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट आपका कृषक परिवार। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 37.46 लाख कृषक परिवार मौजूद है। कृषक की बात नहीं कर रहा हूँ, कृषक परिवार। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या है 37.46 लाख। 37.46 लाख कृषक परिवार छत्तीसगढ़ में मौजूद है। नेक्स्ट है आपका जैविक खेती। देखिए, जैविक खेती है क्या? वर्तमान में फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुतायत मात्रा में रासायनिक उर्वरकों, खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तो होती है, लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर। इससे काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस रासायनिक खाद के अपोजिट जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ में इस जैविक खेती योजना का कॉन्सेप्ट लाया गया। इस जैविक खेती में भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए इसमें चक्रीय फसल, यानी एक फसल के बाद दूसरे अलग अलग प्रकार के फसल उसी ज़मीन पर, ताकि क्या होता है, एक ही ज़मीन पर लगातार एक ही प्रकार के फसलें बोते जाने से उसकी उर्वरा शक्ति ख़त्म होती है। तो उसमें अलग अलग प्रकार के फसलों को बोया जाए, जैसे धान के फसल के बाद चना का फसल बो दिए, ये कहलाता है चक्रीय फसल। इसके अलावा हरित खाद, जैविक खाद, गोबर खाद, ये सभी का उपयोग करके यहाँ पे जैविक खेती योजना चलाई जा रही है। तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से जैविक जिलों के रूप में विकसित किया जा रहा है 5 जिलों को। 5 जिलों को छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 4 जिले, नीचे के 4 जिले, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, तो उसमें नीचे के 4 जिले कौन कौन से? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 4 जिले हो गए। और एक है आपका ये गरियाबंद। तो याद रखिएगा, प्रदेश में पूर्ण रूप से जैविक जिलों के रूप में विकसित किया जा रहा है 5 जिलों को। उस 5 जिलों के नाम हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद। इन 5ों जिलों का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा बच गए आपके 22 जिले। उस 22 जिलों में से हर एक जिले के एक एक विकास खंड को जैविक विकास खंड के रूप में विकसित किए जाने का आगे प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन वर्तमान में अभी पूर्ण जैविक जिलों के रूप में 5 जिलों को विकसित किया जा रहा है। इन सभी जिलों के नाम याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, ई नाम का फुल फॉर्म है ये। ई नाम का फुल फॉर्म ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ई नाम कृषि क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है आपका कृषि क्षेत्र से, व्यापम के एग्जाम में आया था। इसको, इस पर हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में, एक बार आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ई नाम, NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसका फुल फॉर्म है। भारत में जो ई नाम के, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि या कृषि उत्पाद के खरीदी बिक्री के समय जो बिचौलियों के हस्तक्षेप होता है, बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना तथा व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा कृषि बाजार डेवलप करना, इस राष्ट्रीय कृषि बाजार का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत प्रदेश के कुल 14 मंडियों को
चिन्हित किया गया है। प्रदेश में कुल 14 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए होता क्या है कि किसान अपने फसलों का उत्पादन करते हैं और उसे बेचने के लिए किसी न किसी एजेंट के थ्रू व्यापारियों को बेचते हैं, तो उससे क्या होता है उन्हें उनके जो फसल उत्पाद है उसका 100% मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता, बीच में बिचौलियों को उन्हें पैसा देना पड़ता है। लेकिन अब ये जो ई कृषि बाजार मार्केट है इसमें छत्तीसगढ़ के 14 कृषि मंडियों को चिन्हित किया गया है जहां पे किसान अपने फसल उत्पाद को लेकर के उस मंडियों में जाएंगे, अपना मूल्य वहां पे बताएंगे। तो इस ई नाम पोर्टल में उनका जो रेट है, उनके जो कृषि उत्पाद का रेट इस वेबसाइट पे ई पोर्टल मींस ई नाम के पोर्टल पे शो होगा। इससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य के व्यापारी तो इसमें शामिल होंगे ही, साथों साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के आसपास के व्यापारी भी इस मतलब ई नाम पोर्टल के जरिए छत्तीसगढ़ से कृषि उत्पाद खरीद सकेंगे, जिससे किसानों को उनकी फसल उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिल सके। तो ये जो ई नाम के अंतर्गत मेन बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना, किसानों के उनके फसल उत्पाद का अधिक से अधिक मूल्य मिलना तथा व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा कृषि बाजार या बहुत बड़ा बाजार डेवलप करना इस ई नाम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक, इसे याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में ई नाम या राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत 14 कृषि मंडियों को चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में 5 मंडियों को इस राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम में जोड़ा गया है। देखिए वो कौन कौन से है, राजनांदगांव जिला, कवर्धा, कुरुद, नवापारा और भाटापारा। राजनांदगांव कृषि मंडी, कवर्धा कृषि मंडी, कुरुद कृषि मंडी, नवापारा और भाटापारा कृषि मंडी, इन 5 कृषि मंडियों को चरण में राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है। अभी आगे के और द्वितीय और तृतीय चरण में 9 कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा। तो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है इसे थोड़ा याद रखिएगा, और ये 5 कृषि मंडियों के नाम भी याद रखिएगा। 14 कृषि मंडियों को जोड़ा जाना है, 5 कृषि मंडियों को ई नाम के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है। अब नेक्स्ट है आपका आदर्श मंडी। देखिए आदर्श मंडी क्या होता है, आदर्श मंडी के अंतर्गत जो किसान अपने कृषि उपज को लेकर के जाएंगे तो उनके लिए एक बाज़ार डेवलप किया जा रहा है किसानों और जो सब्जी बेचते हैं। तो ऐसे जो व्यापारी है जो मतलब कृषि उत्पाद से संबंधित जो सामान बेचते हैं उनके लिए एक बाज़ार मुहैया कराना, जहां पे उनके लिए एक चबूतरा विकसित किया जाएगा, उसके अलावा वहां पे लाइटिंग फैसिलिटी, पीने की पानी की फैसिलिटी, कचरा ना हो करके डस्टबिन, प्रत्येक चबूतरे के सामने एक डस्टबिन फैसिलिटी दी जाएगी। गर्मियों के समय फसल खराब ना हो तो उसमें मॉइस्ट मशीन, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन में देखे होंगे कि वहाँ से स्प्रिंकलिंग के थ्रू आपके पानी का फव्वारा छोड़ा जाता है, तो वैसा ही यहाँ पे मॉइस्ट मशीन लगाया जाएगा ताकि सब्जियाँ गर्मी के मौसम में ख़राब ना हो। इसके अलावा उसी मंडियों में वहाँ पे कूलिंग सिस्टम मीन्स जो सब्जियाँ गर्मी के समय ख़राब हो जाती है उसे कोल्ड स्टोरेज में ले जा करके रखा जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसे जो मंडी है जिसमें ये सारी सुविधाएं मौजूद है, स्ट्रीट लाइट से लेकर के वहाँ के साफ सफाई व्यवस्था, पानी के लिए व्यवस्था, डस्टबिन, मॉइस्ट सिस्टम और आपका कोल्ड स्टोरेज, ये सारी फैसिलिटी जिस मंडी में विकसित की जाएगी उसे कहा जाएगा आदर्श मंडी। तो इन सारी फैसिलिटियों के साथ प्रदेश में 5 मंडियों को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जा चुका है। वो 5 मंडियाँ कौन कौन सी है, देखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार में जो शुरू की 3 मंडी है, राजनांदगांव, कवर्धा और कुरुद, वो 3 मंडी इसमें भी शामिल है। राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, उसके अलावा मुंगेली और धमतरी। ठीक, राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली और धमतरी, इन 5 मंडियों को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जा चुका है। राष्ट्रीय कृषि बाजार में किन्हें जोड़ा गया है, राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, नवापारा, भाटापारा। आदर्श मंडी में जोड़ा गया है राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली और धमतरी को। ठीक, नेक्स्ट, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है और गलती होने की संभावना बनी रहती है। देखिए राज्य का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल प्रारंभ किया गया था आपका राजनांदगांव जिले में, या खोला गया है आपके राजनांदगांव जिले में। प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल खोला गया है राजनांदगांव जिले में, जबकि प्रदेश का पहला किसान बाजार डेवलप किया गया है आपका धमतरी जिले में। देखिए ये किसान शॉपिंग मॉल क्या है,
किसान शॉपिंग मॉल के अंतर्गत किसानों के लिए वहाँ पे उस शॉपिंग मॉल में उनको उर्वरक, खाद, कंपोस्ट, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर से संबंधित पार्ट्स, जो जो कृषि कार्य में जो जो चीज़ें मशीनरी आइटम्स लगती है, या जो जो खाद आपके उर्वरक जो यूज़ होते हैं कृषि कार्य में, वो सारी की सारी चीज़ें एक ही छत के रूप में एक ही मॉल में मिलेगी। तो राज्य का पहला किसान शॉपिंग मॉल विकसित किया गया है आपका राजनांदगांव जिले में, या खोला गया है आपका राजनांदगांव जिले में। किसान बाजार, देखिए ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम किसान बाजार जो धमतरी में खोला गया है, ये राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए एक आदर्श या एक मॉडल बना था। एक्चुअली में क्या हुआ कि प्रदेश में जो ये किसान बाजार खोला गया, ये राष्ट्रीय कृषि बाजार मिशन प्रारंभ किए जाने से काफ़ी पहले इसे छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ कर दिया था। जैसे इसमें क्या है, ई नाम पोर्टल के माध्यम से व्यापारियों को आकर्षित किया जा रहा है, तो वैसे ही इस किसान बाजार का कॉन्सेप्ट, सेम इसी के कॉन्सेप्ट से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि मिशन को प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत भी किसानों को एक बाजार मुहैया कराया गया, जिसमें क्या होता था, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग फसलों का नीलामी, या वहाँ किसान अपने सामानों को बेचते हैं। वहाँ पे क्या है, अलग अलग डेट में अलग अलग आपका फसल उत्पाद को बेचने का समय तय किया जाता था शिफ्ट वाइज। जैसे पहले धान को बेचने का एक शिफ्ट लगता था, मक्का बेचने का, चना बेचने का, ऐसे शिफ्ट वाइज इस प्रथम किसान बाजार यानी धमतरी किसान बाजार को ऐसे डेवलप किया गया था जहां पे शिफ्ट वाइज कृषि उत्पादों को बेचा जाता था। तो इसी का कॉन्सेप्ट उठा करके केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया था राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो याद रखिएगा, प्रदेश का किसान शॉपिंग मॉल, पहला किसान शॉपिंग मॉल है आपका राजनांदगांव जिले में, जबकि प्रथम किसान बाजार है आपका धमतरी जिले में। नेक्स्ट है आपका रकबा एवं उत्पाद। देखिए रकबा क्या होता है, रकबा एक प्रकार का क्षेत्रफल है। जैसे बड़े पैमाने में यदि भूमि का मापन किया जाए तो उसको मापा जाता है हेक्टेयर्स और एकड़ में, लेकिन छोटे पैमाने में किया जाए तो उसे, जैसे उद्यानिकी, स्पेशली उद्यानिकी फसलों के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है या जो मात्रक यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं रकबा। रकबा कोई डिफरेंट नहीं है, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल, यही है आपका रकबा। रकबा और उत्पाद, ये स्पेशली टर्म यूज़ किया जाता है आपका उद्यानिकी फसलों के लिए। तो देखिए उद्यानिकी फसलों का रकबा या उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र, कितने क्षेत्रफल पर उद्यानिकी फसलों को उगाया गया या उसकी बुआई की गई, 2016-17 से संबंधित ये आंकड़े हैं। तो देखिए ये वाला प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, रकबा या उत्पाद, दोनों आंकड़ों में यदि आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस उद्यानिकी फसलों का रकबा सर्वाधिक है, या निम्नलिखित में से किस उद्यानिकी फसलों का उत्पादन सर्वाधिक है, तो उसमें आप सब्जी को लगाइएगा। उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत आपके शामिल होते हैं सब्जियां, फल, औषधि और सुगंधित पौधे, फूल, मसाला, ये सारे शामिल होते हैं आपके उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत। तो देखिए सीक्वेंस देखिए, सर्वाधिक आपका रकबा है सब्जी का, सब्जी के बाद है फल, उसके बाद है मसाला, पुष्प, और सबसे कम रकबा है आपका औषधि एवं सुगंधित फसलों का। तो सर्वाधिक रकबा किसका है, सब्जियों का, 4.63 लाख। आंकड़े याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, सिंगल मतलब सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा था जिसमें इन सभी को ऑप्शन में रखा हुआ था, तो उसका आंसर था आपका सब्जी। तो उद्यानिकी फसलों में सर्वाधिक रकबा सब्जियों का है। उद्यानिकी फसलों का उत्पादन वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, तो देखिए इसमें भी सिक्वेंस देखिए, शुरू के तीन सिक्वेंस सेम है, सब्जी, फल, मसाला, सेम सीक्वेंस, उसके बाद ये दोनों को चेंज कर दीजिएगा, औषधि एवं सुगंधित फसल, और लास्ट में पुष्प। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये आंकड़े, इसमें जो डाटा है जैसे इसका है 65.5 लाख मैट्रिक टन, ये जो है मैट्रिक टन में है, 65 यानी 65.5 लाख मैट्रिक टन के आसपास सब्जियों का उत्पादन किया गया। तो रकबा क्षेत्रफल है, उत्पादन, ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा। उद्यान की फसलों में सर्वाधिक रकबा या उत्पादन सब्जियों का है। ठीक, नेक्स्ट चलते अपन प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र। देखिए प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र यानी कितने क्षेत्रफल पर किस प्रमुख फसल की बुवाई की गई। देखिए प्रमुख फसलों के अंतर्गत आपका शामिल है अनाज, दलहन, तिलहन। अनाज के अंतर्गत आता है आपका धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ। दलहन फसलों के अंतर्गत आता है आपका चना, उसके अलावा आपका तिवरा, उड़द, मूंग, तुअर, ये आता है आपके दलहन फसलों के अंतर्गत। तिलहन फसलों के अंतर्गत, तिलहन में आता है आपका मूंगफली, तिल, रामतिल,
आपका सोयाबीन, ये सारे के सारे आते हैं आपके तिलहन फसलों में। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए ये प्रमुख फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है। तो देखिए प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र यानी कितने क्षेत्र में प्रमुख फसलों की बुवाई की गई। देखिए छत्तीसगढ़ के 137.8 लाख हेक्टेयर, जैसे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र में धान की बुवाई की गई, सर्वाधिक क्षेत्र में धान की बुवाई की गई, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र में धान की बुवाई की गई। उसके बाद है चना, चना क्या है आपका दलहन फसल, लाख या तिवड़ा ये है आपका दलहन, और फिर है आपका मक्का जो कि आता आया आपके अनाज के अंतर्गत। तो देखिए लगभग 4050 ये आंकड़े हैं आपके हजार हेक्टेयर में, 4050 हजार हेक्टेयर में आपका धान का फसल का बुआई किया गया, 290 हजार हेक्टेयर में आपके चना के फसल का बुआई किया गया, 260 हजार हेक्टेयर में आपके तिवड़ा का बुआई किया गया, जबकि 120 हजार हेक्टेयर में आपके मक्का का बुआई किया गया। यदि आप इन आंकड़ों को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सीक्वेंस को याद रखिएगा। क्या होता है देखिए, यदि हमारे पास क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक है, उसमें यदि धान रहा तो धान हम आंसर देख के लगा देंगे, यदि ऑप्शन से धान हटा दे और इसके बाद मतलब जो भी दलहन और तिलहन में से कोई भी रैंडमली आपका किसी भी फसल का नाम दे दे चारों ऑप्शन में, जैसे समझ लीजिए धान को हटा दिया, तो धान के बाद नेक्स्ट उत्पादित सर्वाधिक क्षेत्र पे उत्पादित फसल कौन सा है, चना। ये याद रखिएगा, ये शुरू के 2-3 सीक्वेंस है, ये इन सीक्वेंस को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पे बुवाई की जाती है धान की, उसके बाद किया जाता है चना का, तीसरे नंबर पर है तिवरा और चौथे नंबर पर है आपका मक्का। सीक्वेंस याद रखिए। नेक्स्ट, अब यदि आपसे इंडिविजुअल अलग अलग अनाज दलहन तिलहन में से पूछा कि निम्नलिखित में से किस अनाज का सर्वाधिक क्षेत्र में बुआई किया जाता है, तो अनाज का पूछेगा तो धान, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का सर्वाधिक क्षेत्र में बुआई किया जाता है, तो वो है आपका चना, निम्नलिखित में से किस तिलहन फसल का सर्वाधिक क्षेत्र में बुआई किया जाता है, तो है सोयाबीन। देखिए ये जो सोयाबीन है ये एग्जाम में आ चुका है, 2016 के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस तिलहन फसल का छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ये तो बुआई है, बुआई और उत्पादन दोनों के आंकड़े सेम है, तो उसमें याद रखिएगा कि सोयाबीन, कई लोग क्या है मूंगफली सोचते हैं, मूंगफली नहीं है, सोयाबीन ऑप्शन में आता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तिलहन फसल जिसका उत्पादन किया जाता है वो है आपका सोयाबीन। वैसे तो यहाँ क्षेत्र है, सर्वाधिक छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में अनाजों में बोया जाता है आपके धान को, दलहन के फसलों में बोया जाता है चना को, जबकि तिलहन फसलों में बोया जाता है सोयाबीन को, लगभग 96,000 हेक्टेयर पर, ठीक। नेक्स्ट, प्रमुख फसलों का उत्पादन, ये क्या था, क्षेत्र जहाँ पे फसलों की बुवाई की जाती है, प्रमुख फसलों का उत्पादन 1,000 मेट्रिक टन में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पाद, प्रमुख फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है आपके धान का। मैं आपको जो भी आंकड़े बता रहा हूँ ये आपको अप्रॉक्सीमेट आंकड़े बता रहा हूँ, ये जो आंकड़े मैंने जो इसमें बोर्ड पे लिखे हैं ये सारे आंकड़े अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट आंकड़े याद करने जाएंगे तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंकड़े रहते हैं। तो हमको क्या है, ये यदि आप इसके आसपास, यदि आप चाहे तो आर्थिक सर्वेक्षण से इसके एग्जैक्ट आंकड़े लिख सकते हैं, लेकिन चीज़ों को जहां तक हो सके सरल तरीके से याद रखिए। यदि इसके आसपास आप आंकड़े देखेंगे तो आपसे ऑप्शन में आंसर देख के लग जाएंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ में धान के फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, लगभग 87,000 मेट्रिक टन छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन होता है। धान के उत्पादन के बाद सर्वाधिक उत्पादन होता है चना का, चना के बाद होता है मक्का का। देखिए ये लास्ट का सीक्वेंस चेंज है, सबसे ज़्यादा उत्पादन धान का, धान के बाद चना, चना के बाद मक्का, मक्का के बाद तिवड़ा। यदि ओवरऑल फसलों में हम बात करें, ओवरऑल प्रमुख खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है धान का, फिर है चना का, फिर मक्का, फिर तिवड़ा। अब देखिए यदि हम इंडिविजुअल बात करें, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस अनाज का उत्पादन किया जाता है, अनाज में, यदि अनाज में क्या क्या है, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी, ये सारे अनाज के अंतर्गत शामिल है, तो सर्वाधिक किस अनाज का उत्पादन किया जाता है, तो वो आता है आपका धान। निम्नलिखित में से किस
दलहन फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है तो उसमें आंसर लगाइएगा चना। निम्नलिखित में से किस तिलहन फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है तो वो है आपका सोयाबीन। सोयाबीन का लगभग 76,000 मैट्रिक टन का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए मैं आंकड़ों पर जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आंकड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, याद कर सकते तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन देखिए अप्रॉक्सीमेट आंकड़े मैंने यहाँ लिख रखे। धान का उत्पादन 8700 मैट्रिक टन, चना का उत्पादन 339,000 मैट्रिक टन, 309 मक्का का उत्पादन है 309,000 मैट्रिक टन, जबकि लाख या तिबड़ा का उत्पादन है 222,000 मैट्रिक टन, सोयाबीन का उत्पादन है 76,000 मैट्रिक टन। तो ये सारे आंकड़े अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट आंकड़े यदि आप लिखना चाहे तो आर्थिक सर्वेक्षण के बुक से लिख लीजिएगा। बाकी सीक्वेंस याद रखिए और इंडिविजुअल अनाज दलहन तिलहन, ये सीक्वेंस और ये दोनों सेम टू सेम है। अनाज में धान, दलहन में चना, तिलहन में सोयाबीन, सेम यही धान चना सोयाबीन। अब देखिए नेक्स्ट, शुद्ध और कुल बोया गया क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कुल बोया गया क्षेत्रफल, देखिए ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कुल बोया गया क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे किसान, एक किसान है, उस किसान के पास एक जमीन है, लगभग एक एकड़ की जमीन है उसके पास, उस एक एकड़ की जमीन में उसने धान बोया, एक वर्ष में, केवल एक वर्ष में उस किसान ने अपनी एक एकड़ की जमीन में धान बोया, तो उस किसान का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल होगा आपका एक एकड़, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल एक एकड़, यानी उसने एक वर्ष में केवल एक ही फसल को उगाया अपने एक एकड़ की जमीन में। लेकिन यदि किसान ने उसी वर्ष में पहले धान का फसल उगाया, फिर धान की कटाई करने के बाद उसी साल उसने चना का फसल भी उगा दिया, तो पहले उगाया उसने धान के फसल को और उसी साल उसने सेकेंड बार चने के फसल को उगा दिया, तो पहले क्या था उसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक एकड़ था, लेकिन जब उसने दूसरी फसल का भी उसमें बुआई कर दिया अपने एक एकड़ जमीन पे, तो यहाँ हो गया उसका कुल बोया गया क्षेत्र। कुल बोया गया क्षेत्र काउंट होगा उसका दो एकड़, ठीक है। यदि एक किसान एक वर्ष में अपनी कृषि भूमि में केवल एक फसल का उत्पादन या एक फसल की बुआई कर रहा है तो वो कहलाता है उसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र। लेकिन यदि एक किसान अपने कृषि भूभाग पर या कृषि जमीन पर एक साल में एक से अधिक फसलों का उत्पादन कर रहा है तो जितने भी फसलों का उत्पादन करेगा वो सारे आपके ऐड होंगे। जैसे उसने एक साल में दो फसलों का उत्पादन किया तो वो दो एकड़ काउंट होगा, वो होगा उसका कुल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है आपका 46 लाख हेक्टेयर, 46 लाख हेक्टेयर। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है आपका 137.8 लाख हेक्टेयर, जबकि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, प्रदेश का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 46 लाख हेक्टेयर और कुल बोया गया क्षेत्रफल है 56 लाख हेक्टेयर, 56 लाख हेक्टेयर। यानी यदि आप दोनों को घटाएंगे तो कितना बच रहा है आपका, लगभग 10 लाख हेक्टेयर। यानी 10 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी जमीन है या ऐसा कृषि का भूभाग है जिसमें एक से अधिक बार फसलों का बुआई किया गया। 10 लाख हेक्टेयर में एक से अधिक प्रकार के फसलों का बुआई उस भूभाग पे किया गया, तो वो होता है आपका कुल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत काउंट। तो देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 46 लाख हेक्टेयर, कुल बोया गया क्षेत्रफल है आपका 56 लाख हेक्टेयर। देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल को और एक इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है नीरा, नीरा बोया गया क्षेत्रफल। तो नीरा बोया गया क्षेत्रफल या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल पूछेगा तो 46, कुल बोया गया क्षेत्रफल 56। देखिए अब बोया गया क्षेत्रफल यानी भूभाग जिसमें बुआई की गई, बोया गया क्षेत्रफल, अब शुद्ध और कुल दोनों में से आपसे कुछ भी पूछे, प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक किस जिले में है या प्रदेश में कुल बोया गया क्षेत्रफल किस जिले में है, दोनों में से आपसे कुछ भी पूछे तो सर्वाधिक है आपका राजनांदगांव जिले में और न्यूनतम है नारायणपुर जिले में, ठीक। सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल शुद्ध या कुल आपसे कुछ भी पूछे आप उसमें एक ही ऑप्शन लगाइएगा कि सर्वाधिक है आपका राजनांदगांव जिले में और न्यूनतम है आपका नारायणपुर जिले में। अब देखिए सिंचाई संसाधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्र,
सिंचाई संसाधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्र, यह आंकड़े हैं आपके 2016-17 के। प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र, देखिए शुद्ध और कुल का कॉन्सेप्ट सेम है। यदि एक प्रकार की फसलों का बुआई किया गया और उसकी सिंचाई की गई तो वो काउंट होगा आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में। यदि उसी भूभाग में एक से अधिक फसलों को बोया गया और एक से अधिक फसलों की सिंचाई की गई तो वो काउंट होगा आपका कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत। वही एक एकड़ जमीन पर पहले धान बोया गया तो वो कहलाएगा एक एकड़, जो कि उसका शुद्ध सिंचित क्षेत्र होगा। यदि उसमें पहले धान का फसल बो करके उसकी सिंचाई की गई, फिर उसके बाद धान की कटाई करने के बाद चना का फसल बो करके चना की सिंचाई की गई तो टोटल हो गया आपका 2 एकड़। तो वो 2 एकड़ क्या होगा आपका कुल सिंचित क्षेत्र। तो देखिए प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र है आपका 14.8 लाख हेक्टेयर, 14.8 लाख हेक्टेयर आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, जबकि कुल सिंचित क्षेत्र है आपका 18.4 लाख हेक्टेयर, 18.4 लाख हेक्टेयर है आपका कुल सिंचित क्षेत्र। ठीक, देखिए मैं आपको सरल करने के लिए आंकड़े ये थोड़े मतलब छोटे फॉर्मेट में बता रहा हूँ। यदि आप इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े देखने जाएंगे तो ये क्या है आपका 14,80,668 ऐसे टाइप से थोड़े लंबे चौड़े आंकड़े दिए हैं, तो मैं आपको छोटे फॉर्मेट में इसको बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे ही याद कीजिएगा कि 14.8 लाख हेक्टेयर आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, कुल सिंचित क्षेत्र है आपका 18.4 लाख हेक्टेयर। अब देखिए ये जो सिंचाई साधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्र, तो सिंचाई साधनों के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं? सिंचाई साधनों में आपके शामिल होते हैं नहरें, कुआं, तालाब, नलकूप, आपका बोरवेल और अन्य संसाधन। ये सारे संसाधन आते हैं आपके सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिए प्रदेश का भूभाग है आपका 137.8 लाख हेक्टेयर, ये क्या है छत्तीसगढ़ प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, जिसके लगभग 35% क्षेत्र में केवल सिंचाई साधन उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 35% क्षेत्र में ही केवल सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यानी जिन 35% क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, उनमें से सर्वाधिक सिंचाई के संसाधनों में से सर्वाधिक नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। देखिए छत्तीसगढ़ में लगभग जिन जिन स्थानों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है या सिंचाई की फैसिलिटी उपलब्ध है, उनमें सर्वाधिक नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। यदि आपको नहरें ऑप्शन में दिया गया तो नहरों को लगाइएगा, या सेकंड प्रायोरिटी आप दीजिएगा इसको जलाशय को। नहरों और जलाशयों के माध्यम से लगभग 52% सिंचाई की जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित संसाधनों में से किससे प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उसमें ऑप्शन दिया था नहरें, कुआं, तालाब, नलकूप। ठीक है, तो इसमें आंसर लिया गया है आपका नहरें। आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिए गए आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, इसे याद रखिएगा। देखिए मैं आपको एक बार सिक्वेंस बता देता हूँ, विभिन्न सिंचाई संसाधनों में से सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है आपके नहरों के माध्यम से, लगभग 52%। नहरों के बाद है आपका नलकूप, नलकूप के बाद है आपका तालाब, तालाब के बाद है कुआं। नहरें, नलकूप, तालाब, कुआं, ये सीक्वेंस है, यानी सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है आपका नहरों के माध्यम से। ठीक, अब देखिए सिंचित क्षेत्र, प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला या सिंचाई संसाधनों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो वो है आपका जांजगीर चांपा जिला। देखिए जांजगीर चांपा जिला में सिंचाई सर्वाधिक होने का लॉजिक क्या है? पहली बात तो वो वहाँ से महानदी गुजरती है, उसके अलावा वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, बहुत सारे वहाँ पे एनीकट और बैराज है, तो इन सभी कारणों से, और वह एक बहुत बड़ा खुला मैदान भी है, तो वहाँ पे महानदी, बैराज, एनीकट, मैदान, मतलब सारी परिस्थितियाँ इसके अनुकूल है, तो सर्वाधिक सिंचित जिला है आपका जांजगीर चांपा जिला। न्यूनतम वही लॉजिक आपका नारायणपुर। ठीक, तो इसे याद रखिएगा, सिंचित संसाधनों के अनुसार सर्वाधिक सिंचित जिला है आपका जांजगीर चांपा, न्यूनतम है नारायणपुर, शुद्ध सिंचित क्षेत्र है आपका 14.8 लाख हेक्टेयर,
कुल सिंचित क्षेत्र है 18.4 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचाई, विभिन्न सिंचाई संसाधनों में से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है आपकी नहरों और जलाशयों के माध्यम से, लगभग 52%। अब देखिए अगला है आपका जल संसाधन। जल संसाधन छत्तीसगढ़ में सृजित सिंचाई क्षमता, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सृजित सिंचाई क्षमता है आपका 20.52 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ की वर्तमान में सिंचाई क्षमता है 20.52 लाख हेक्टेयर। देखिए ये स्थिति है आपकी मार्च 2017 तक की स्थिति है। छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता है 20.52 लाख हेक्टेयर, ये इसकी सिंचाई क्षमता, ये इतनी कैपेसिटी है जिसमें से लगभग ये आपका 14.8 और 18.4 लाख हेक्टेयर वर्तमान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन टोटल कैपेसिटी कितनी है, छत्तीसगढ़ की टोटल सिंचाई कैपेसिटी या सिंचाई क्षमता है वर्तमान में 20.52 लाख हेक्टेयर। ये दोनों आंकड़ों में कन्फ्यूज मत होइएगा, कैपेसिटी है 20.52 लाख हेक्टेयर, यानी इतना हम सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितना सिंचाई कर रहे हैं, तो ये है आपके आंकड़े, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र, ये वर्तमान की स्थिति है सिंचाई के। तो देखिए सृजित सिंचाई क्षमता छत्तीसगढ़ की वर्तमान में है 20.52 लाख हेक्टेयर मार्च 2017 तक की स्थिति में। नेक्स्ट, वर्तमान स्थिति में प्रदेश में 8 वृहद परियोजनाएं, 35 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, 2457 लघु सिंचाई परियोजनाएं तथा 651 एनीकट निर्मित है। ये सारे आंकड़े याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस आंकड़े को याद रखिएगा, ये वाला 8 वृहद परियोजनाएं, प्रदेश में वर्तमान में 8 वृहद परियोजनाएं निर्मित है। ये 8 वृहद परियोजनाएं कौन कौन से है, इससे संबंधित आंकड़े मैं आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर लूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे फिलहाल हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बस इतना याद रखिएगा कि प्रदेश में 8 वृहद और 35 मध्यम, 2457 सिंचाई योजनाएं तथा 651 एनीकट निर्मित है। 8 वृहद परियोजनाओं को याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य कम से कम पानी में अधिक से अधिक भूमि को सिंचित करना, इस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है कम से कम पानी में अधिक से अधिक भूमि को सिंचित करना। इसके लिए है आपका ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलिंग सिंचाई, ऐसे अलग अलग संसाधन है। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत पूरे भारत भर में से लगभग 99 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है, उसमें से छत्तीसगढ़ में 3 परियोजनाएं इस छत्तीसगढ़ सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है। 3 परियोजनाएं कौन कौन सी है, केलो परियोजना, खारंग परियोजना और मनियारी नदी परियोजना। केलो नदी परियोजना, खारंग नदी परियोजना और मनियारी नदी परियोजना इस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है, तीनों का नाम याद रखिएगा। अब देखिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना भी सेम है आपका स्प्रिंकलिंग सिंचाई के अंतर्गत आता है ये। इसमें देखिए इसमें आपको कुछ नहीं, बस आपको 2 नाम याद रखने हैं, एनीकट। एनीकट क्या होता है, एनीकट नदियों के बहाव को कम करने तथा सिंचाई के लिए आपका सुविधा या पेयजल आपूर्ति और आपको औद्योगिक पर्पस से आपके जगह जगह में छोटे छोटे एनीकट बनाए जाते हैं। इसका मेन काम है नदी के बहाव को रेगुलेट या नियंत्रित करना या उसे नदी के बहाव को कम करना, उसके लिए बनाए जाते हैं एनीकट। तो देखिए ये सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2 एनीकट अभी निर्मित किए जा रहे हैं, हरदी एनीकट। हरदी एनीकट मौजूद है आपका रायपुर जिले में, जबकि धमनसरा एनीकट है आपका राजनांदगांव जिले में। धमनसरा मोहड़ एनीकट, उसका पूरा नाम है धमनसरा मोहड़ एनीकट, निर्मित किया जा रहा है राजनांदगांव जिले में, जबकि हरदी एनीकट निर्मित किया जा रहा है आपका रायपुर जिले में। नेक्स्ट, बैराज। बैराज आपका डैम का छोटा स्वरूप होता है। तो देखिए प्रदेश में अभी वर्तमान में 6 औद्योगिक बैराज मौजूद है। बैराज वैसे बहुत सारे हैं जो कि सिंचाई पर्पस के लिए है, पेयजल आपूर्ति के लिए है, ऐसे अलग अलग बैराज मौजूद है, लेकिन ये जो बैराज के नाम लिखे हुए हैं ये औद्योगिक बैराज है, यानी औद्योगिक इंडस्ट्रीज को जो पानी सप्लाई करते हैं, इंडस्ट्रीज को पानी सप्लाई विभिन्न कार्यों में, जो औद्योगिक क्षेत्र में या इंडस्ट्रियल एरिया में जो विभिन्न कार्यों में पानी
का उपयोग होता है तो उस पानी के उपयोग के लिए जो वाटर सप्लाई किया जाता है इन बैराजों के माध्यम से, ये 6 बैराज जो कि बोर्ड पे लिखे हुए हैं। रायपुर का समोदा बैराज, देखिए ये समोदा बैराज ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, समोदा बैराज किस जिले में स्थित है करके आया था, तो वो है आपका रायपुर जिले में। अब जो बाकी 5 बैराज है वो है आपके जांजगीर चांपा जिले में, जांजगीर चांपा जिले में मौजूद है आपका शिवरी नारायण बैराज, मिरौनी बैराज, साराडीह बैराज, बसंतपुर बैराज और कलमा बैराज। इसमें कलमा बैराज को याद रखिएगा, कई जगह पर आपको कमला बैराज लिखा हुआ मिलेगा, दोनों सेम है, कलमा बैराज या कमला बैराज, ये बैराज को याद रखिएगा, कलमा बैराज को। क्यों? क्योंकि अभी जो बहुत 2017 में हाईलाइटेड इशू था आपका महानदी जल विवाद, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य था, तो उस महानदी जल विवाद का एक मुख्य कारण आपका ये कलमा बैराज भी था, महानदी पर निर्मित कलमा बैराज महानदी जल विवाद का भी एक मुख्य कारणों में से एक था। तो ये कलमा बैराज किस नदी पर स्थित है, ये जितने भी बैराज है ये सारे के सारे बैराज महानदी के ऊपर निर्मित है, जिसमें से एक समोदा बैराज आपके रायपुर जिले में है, बाकी 5 बैराज शिवरी नारायण, मिरौनी, साराडीही, बसंतपुर और कलमा, कलमा बैराज जांजगीर चांपा में महानदी के ऊपर निर्मित है। नेक्स्ट पशुधन, GSDP में पशुधन की भागीदारी, यानी छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन की भागीदारी है 1.39%, यानी 1.39% छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन की भागीदारी है। देखिए पशुधन संगणना, पशुधन संगणना 2012, पशुधन संगणना या पशुधन जनगणना बोलिए, ये लास्ट टाइम पशुधन जनगणना हुई थी आपकी वर्ष 2012 में, तो उसके आंकड़े हैं ये। पशुधन संगणना 2012 के अनुसार प्रदेश में 1.50 करोड़ पशुधन है, जबकि 1.80 करोड़ पक्षीधन है। पशुधन 1.50 करोड़, पक्षीधन 1.80 करोड़। नेक्स्ट बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बकरियों की नस्ल में सुधार के लिए तथा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 2 स्थानों पर बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र विकसित किया गया है। वो 2 क्षेत्र कौन कौन सा है, एक है आपका सरोरा जो कि रायपुर जिले में मौजूद है, दूसरा है आपका रामपुर, रामपुर या उसका अन्य नाम है ठाठापुर, ये स्थित है आपका कबीरधाम या कवर्धा जिले में। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र मौजूद है सरोरा रायपुर जिले में या रामपुर ठाठापुर कवर्धा जिले में, 2 जगह है जहाँ पे बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र मौजूद है। नेक्स्ट आपका सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र, सुकरों के नस्ल में सुधार के लिए तथा सुकरों के पालन को या सुकरों के पालन को बढ़ावा देने के लिए सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र विकसित किया गया है 2 क्षेत्र में, एक है आपका सकालो अंबिकापुर सरगुजा जिले में और दूसरा है आपका परचनपाल, परचनपाल जगदलपुर बस्तर जिले में। ये इनके बस नाम याद रखिएगा कि बकरी प्रजनन क्षेत्र किस स्थान पर मौजूद है और सुकर प्रजनन क्षेत्र किस स्थान पर मौजूद है। साथ ही साथ कितने हैं, बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र 2 है, सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र 2 है, दोनों 2-2 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के 2 आंकड़े इसमें लिखे गए हैं और दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, ये वो आंकड़े हैं जो कि आर्थिक सर्वेक्षण के कृषि और संबंध क्षेत्र के मुख्य बिंदु में हाईलाइटेड किया गया है इसे। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मछली पालन जल क्षेत्र 94.41%, मछली पालन जल क्षेत्र 94.41%, इसका मतलब क्या है, प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितना भी जल क्षेत्र है, नदी हो गया, तालाब हो गया, जलाशय, डैम, आपका तालाब, कुआं, जितने भी जल क्षेत्र है उन जल क्षेत्रों में से लगभग 94.41% जल क्षेत्र को मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। लगभग 94.41% जल क्षेत्र को, प्रदेश में जितने भी जल क्षेत्र मौजूद है उसमें से 94.41% जल क्षेत्र को मछली पालन के रूप में या मछली पालन के लिए विकसित किया जा चुका है। नेक्स्ट मत्स्योत्पादन, वर्ष 2017-18 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में मत्स्योत्पादन या मछलियों का उत्पादन किया गया है 2.20 लाख मैट्रिक टन। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा है आपका 2,20,683 मैट्रिक टन, 2,20,683 मैट्रिक टन, लेकिन आप इसे याद रखिएगा 2.20 लाख मैट्रिक टन। 2017-18 की स्थिति में मत्स्योत्पादन है आपका 2.20 लाख मैट्रिक टन।
मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत भर में छत्तीसगढ़ छठवें स्थान पर है, इसे याद रखिएगा। तो ये सारे आंकड़े इम्पॉर्टेंट है, इन सारे आंकड़ों को याद रखिएगा। मैंने केवल जो आंकड़े एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करके केवल उन्हीं चीज़ों को आपको बताया है, और जो चीज़ें मुख्य बिंदु में स्पेशली हाईलाइट करके दी गई है उसी चीज़ों को मैंने आपको बोर्ड पर यहाँ बताया है। तो आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 अध्याय 7 कृषि और संबद्ध सेवा वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।